शांति। आज की शिक्षा प्रद कहानी का शीर्षक है, मुसीबत से बचने के लिए सतर्कता बहुत जरूरी। एक स्वामी विवेकानंद जी का मैं मिसाल आपको सुना रही हूँ। वो जितने होशियार थे, समझदार थे, उतने चतुर भी थे। एक बार की बात है, वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। ट्रेन में उनके सामने कुछ लड़कियां बैठी थी। स्वामी जी ने हाथ में बहुत सुंदर एक घड़ी पहनी हुई थी, जो अमेरिका से उनको उपहार में मिली हुई थी। लड़कियों ने देखा तो लड़कियां उनका मजाक उड़ाने लगी, और फिर उन्होंने लड़कियों ने स्वामी जी को कहा कि आप ये घड़ी हमें उतार के दें, नहीं तो हम सुरक्षा कर्मियों को बुला करके कहेंगे कि आप हमारे शरीर का शोषण कर रहे थे। ऐसे धमकाने लगी। विवेकानंद जी बड़े चतुर थे, समझ से काम लिया। उन्होंने नाटक किया कि वो बहरे हैं, तो उन्होंने कहा मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, आप जो कुछ भी चाहते हो ना वो लिख करके दो। तो लड़कियों ने लिख करके दिया कि ये घड़ी हमें दे दो, नहीं तो इस प्रकार से हम आपकी शिकायत करेंगे। जब उन्होंने सचमुच वो बात लिख दी तो फंस गई। तो विवेकानंद जी ने कहा ठीक है, अभी आप सुरक्षा कर्मियों को बुलाएं, मैं भी आपकी ये शिकायत कर दूंगा। तब वो समझ गई कि ये हमने तो बहुत गलत काम कर लिया। कहने का तात्पर्य है कि जीवन के अंदर कई मुसीबतें आती है, तो हम स्वयं की सेफ्टी कैसे रखें, स्वयं को स्वयं से कैसे दूसरों से भी बचाएं, वो भी जीवन में सीखना बहुत ज़रूरी है। वर्तमान जो दुनिया में परिस्थितियां चल रही है, उसमें स्वयं की सतर्कता रखना तो बहुत ज़रूरी है। इसलिए समझदारी से भी काम लेना है। कहते हैं ना, सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। ओम शांति।